जी गुरु जी ने बहुत ही ज़्यादा ही काम किए हैं, बहुत ही अच्छे काम किए हैं इन्होंने। नशा छुड़वाया है, वैश्यों की भी शादी की है। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। समाज के लिए सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी का क्या योगदान है, ये सीधी चर्चा हम लोगों से सीधी बात आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ अभी कमलेश जी जुड़ रहे हैं जो एक हाउस वाइफ हैं, घरेलू महिला हैं, और इनसे जानते हैं इनका क्या मानना है, आसपास समाज में कैसी समस्याओं को जी देखती हैं और गुरु जी ने क्या काम किया है, आज इनका क्या मानना है गुरु जी के बारे में। तीन साल से ऊपर हो गए अब गुरु जी समाज में नहीं हैं, तो आज समाज की लेडीज़ का उनके बारे में क्या कहना है, ये दिखा रहे हैं आपको सीधी रिपोर्ट। नमस्कार कमलेश जी, आपका द फैक्ट टाइम में स्वागत है। हाँ जी, गुरु जी ने बहुत ही ज़्यादा ही काम किए हैं, बहुत ही अच्छे काम किए हैं इन्होंने। नशा छुड़वाया है, वैश्यों की भी शादी की है, और भी बहुत खून दान किया है, सबसे भी सबकी मदद की है। इनके बिना तो बिल्कुल डेरा भी खाली खाली सा लगता है, इनके बिना तो बिल्कुल ही रौनक भी नहीं है। तो सभी यही चाहते हैं हमारे गुरु जी आएँ जल्दी से जल्दी, सारे काम करें। सब संगत उनके लिए बहुत ही प्रेरणा कर रही है कि हमारे गुरु जी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आएँ। और आप उनके साथ कब से जुड़े हुए हो? मैंने वैसे ज्ञान नहीं लिया, अभी हमारे भाई भाभी सब ने लिया हुआ है। उनके साथ डेरा में तो काफ़ी बार गई हुई हूँ, सेवा पे भी चले जाते हैं उनके साथ। मेरे भाई के साथ बहुत ही ज़्यादा वो हो जाता कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, गुरुजी ने उनको बस डेरे गए एक हफ्ता, वहाँ जाकर ही ठीक हुए हैं। उनको नई जिंदगी मिली है, यहाँ से जुड़ने से मिली है नई जिंदगी जी। लोगों के लिए किस तरीके का योगदान है डेरा सच्चा सौदा का? लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ही करते हैं, हर एक जगह ग्रीन डेस्क, वैसे भी कहीं भी कोई मुसीबत आ जाती है सबसे आगे खड़े होते हैं, सबके लिए बहुत ही अच्छे काम करते हैं गुरु जी। आप एक घरेलू वाइफ हो, जैसे घर में देखते हो आसपास देखते हो कि समाज में किस तरीके की बुराइयाँ आजकल ज़्यादा? बुराइयाँ तो बहुत ज़्यादा चल रही हैं, बहुत ही ज़्यादा। फिर गुरु जी आगे आ जाते हैं तो सभी बुराइयाँ दूर हो जाती हैं जी। गुरु जी ने बेटियों के लिए क्या कदम उठाए हैं? बेटियों के लिए बहुत ज़्यादा किया, गरीबों की बेटियों की शादी की है, वैसे भी हर एक योगदान दिया है, सभी तरह का ही उनके साथ संजोग दिया है, ये राशन पानी भी देना, हर एक चीज़ की उनके लिए व्यवस्था की है उन्होंने। नशे के लिए क्या? नशे के लिए तो बहुत ज़्यादा है, अब देख लो गुरु जी यहाँ नहीं है तो नशा ज़्यादा ही हो रहा है, नहीं तो उन्होंने गुरु जी ने नशा बहुत छुड़वाया, जगह जगह पे जाकर, हर एक जगह पे जाकर सबसे ज़्यादा नशा छुड़वाया, सबको ये इनाम दान दे के सबको अपने चरणों के साथ जोड़ा है। देश की तरक्की में उनका योगदान है? देश की तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा ही हुआ है, बहुत ज़्यादा करते हैं, हर एक बार विदेशों में भी जाना, हर एक जगह पे जाके सबको ज्ञान देना, समझाना, बहुत ज़्यादा ही करते हैं। एक ये भी दिखाया जाता है, बताया जाता है कि उनके नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हैं, क्या लगता है क्या सच्चाई है इनकी? ये सच्चाई तो है, देखा हुआ भी है, सुना भी है, देखा भी है जाके, ये तो दुनिया की वैसे वफा से पता नहीं कैसे उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, पर गुरु जी ने बहुत ज़्यादा किया है दुनिया के लिए, बहुत ज़्यादा किया है। आपको क्या लगता है जो आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं? ये सब झूठे ही हैं, हमने तो नहीं देखा आज तक कभी भी, डेरे में भी तो जाते ही हैं, देखते ही हैं, आज तक हमने कभी नहीं कुछ देखा ऐसा। बीइंग गर्ल कभी आपने महसूस किया हो अलग तरीके का वहाँ पर? नहीं किया, बिल्कुल ही नहीं किया, चाहे जैसे मर्जी वहाँ फिरते रहो घूमते रहो, कोई ऐसा लगता ही नहीं है वहाँ पे ऐसा। गुरु जी का स्वभाव कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है स्वभाव, तो बहुत ही अच्छा है, सबको अपने अच्छी तरह समझाते हैं, सारा कुछ अच्छी तरह बोलते हैं, अच्छी तरह दर्शन देते हैं सबको। गुरु जी किस धर्म की शिक्षा देते हैं? वो तो धर्म की शिक्षा देते हैं, सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, मीठा बोलो, किसी के साथ ठगी बेईमानी ना करो, जितना हो सके सबके साथ प्यार भाव से रहो। क्या आपको लगता है अभी आज के समय में उनकी ज़रूरत है समाज को? समाज को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उनके बिना तो एक पल भी बिताना मुश्किल है, समाज उनके बिना तो सारा दिन भी सब ही उदास रहते हैं, कब पिताजी आएंगे, कब डेरे में रौनक लगेगी। क्या मांग करोगे आप सरकार से गुरु जी के लिए? ये जो आरोप लगाए हैं ये सब झूठे हैं, तो भी उनको छोड़ दिया जाए, उनके ये झूठे आरोप ये वो कर दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये है आम महिला की पुकार, एक हम लोगों के बीच में बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं,
किस तरीके से आज समाज की जो महिलाएं हैं, लेडीज हैं, वो मांग कर रही हैं कि गुरुजी का समाज में आना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने समाज की जो बहुत ही भयानक बीमारियां हैं, कुरीतियां हैं, नशे जैसी भयानक बीमारियों को दूर किया है, और आज ये लोग लगातार मांग कर रहे हैं। ये है असली फैक्ट, रियल फैक्ट, जो हम पब्लिक के बीच में आपको सीधी बातें दिखा रहे हैं। आप लोग खुले दिमाग से सोचिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। बहुत बहुत धन्यवाद।